हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर चैनल स्टडी विद आलोक। देखिए छात्रों, आज हम लोग जो बात करने चल रहे हैं वो यूजीसी एनटीए नेट दिसंबर 2023 बैच के लिए आज शुभारंभ किया जा रहा है आप लोगों का। और जैसा कि अभी आपका जो आपने एग्जामिनेशन दिया है उसका जो रिजल्ट है वो अवेटेड है, लेकिन इसके बावजूद भी आपको समय से अपना बैच स्टार्ट करना पड़ेगा, समय से अपनी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी। कारण क्या है कि आप वेट नहीं कर सकते रिजल्ट का। दो तीन चीजें हैं छात्रों, क्यों नहीं रिजल्ट का वेट कर सकते, क्योंकि जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो आपका अक्टूबर में रखा गया है, ठीक है। तो अक्टूबर 2023 में आपके एग्जामिनेशन होने की फिर से संभावना है, तो आपके पास में टाइम अब कम होता है, ठीक है, और कम टाइम के अंदर में आपको आउटपुट देना है, तो ये तो एक अच्छी बात है, ठीक है। एक जगह पर यह था कि बड़े देर देर बाद एक एक साल हो जाते थे तब एग्जाम हो रहा था, तो कम से कम रेगुलेट हो गया है, ठीक है, तो ये आपके लिए बेहतर है। दूसरी चीज है, क्योंकि कभी कभी किसी का एक नंबर दो नंबर से नेट रुक गया है, तो किसी का एक दो क्वेश्चन से जो है वो जेआरएफ रुक गया है, ठीक है। तो इस दोनों ही टारगेट को आपको कंप्लीट करना है, यानी जिन बच्चों का जेआरएफ रुका हुआ उनके लिए आपको जेआरएफ की मदद करनी है, और जो बच्चे नेट अभी नहीं क्वालिफाई कर पा रहे उस लेवल तक नहीं पहुंचे उनको नेट के लिए प्रिपेयर करना है। देखिए अब क्या क्या चीजें हैं, कौन सी चीजें हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजें आप फोकस करें, एक तो अपने सब्जेक्ट पर, ठीक है, दोनों चीजें लेकर चलना, और दूसरा फर्स्ट पेपर। जब तक इन दोनों का कंबो नहीं होगा तब तक आप एनटीए नेट क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे छात्रों, ठीक है। जब तक कंबो नहीं होगा, यानी मैंने देखा है कि ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं, यानी मोर देन 80% एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपने सब्जेक्ट पे कमांड होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में मतलब वो क्या है इस तरीके से फील करते हैं, चूंकि वो कभी किसी ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन नहीं किए हैं, ठीक है। चूंकि थोड़ा सा फर्स्ट पेपर के अंदर में क्या है कि कुछ यूनिटें ऐसी हैं जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, ये वाले भी पार्ट आ जाते हैं, डीआई का पार्ट आ जाता है, या जो अदर पार्ट भी आते हैं उनको समझने में उनको दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या है कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा होते हुए भी वो फर्स्ट पेपर के कारण जेआरएफ रुक जाते हैं, फर्स्ट पेपर के कारण ही नेट भी रुक जाता है उनका, ठीक है। मतलब उनकी ये स्थिति है कि 50 क्वेश्चन में आउट ऑफ 50 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब आप सोचिए, जबकि ये मान के चलिए कि बिना 28 से 30 क्वेश्चन सही हुए फर्स्ट पेपर के अंदर में आप नेट नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको मिनिमम इतना टारगेट लेकर के चलना ही चलना होता है कि 28 से 30 क्वेश्चन लगभग यहाँ मिनिमम आप सही कर लीजिए, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट के अंदर में जो 100 क्वेश्चन है उसमें भी आप मिनिमम 60 क्वेश्चन का टारगेट रख करके चलते हैं, तब तो आप ये मान के चलिए कि नेट है, क्योंकि दो नंबर चार नंबर ऊपर नीचे ये सब होता रहता है, ठीक है, दो चार क्वेश्चन, लेकिन इतना मिनिमम टारगेट आप रख करके चलना होगा। तो भाई छात्रों, क्या है, कौन सी स्ट्रेटजी है, क्या करना होगा, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे टारगेट होगा, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो टूटे हुए रहते हैं, ठीक है। तो हम उनको बता दें कि मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर से ही, ठीक है, मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले नहीं है, जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, वास्तव में गुमराह वही हैं। अगर आप निकले भी हैं, मैं ऐसे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो लगातार 3 साल तक, यानी 3 साल मतलब हो गया लगभग 6 टाइम के आसपास में, 5 to 6 टाइम नेट देने के बाद में तब जाकर के क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और कभी, और बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं जिनकी स्ट्रीमिंग अलग रही, ठीक है, यानी उन्होंने पीजी दूसरे सब्जेक्ट से किया था, बाद में सोशियो से भी पीजी कर लिया और फर्स्ट राउंड में दिया, फर्स्ट राउंड के अंदर में ही नेट क्वालिफाई हो गया। अब आप सोचिए, जिनकी स्ट्रीम दूसरी रही हो, जैसे सपोज करिए कोई एमएससी किया हो और बाद में उसने सोशियो से भी पीजी कर लिया और उसके बाद आकर के 6 मंथ या 3 मंथ केवल तैयारी करता और क्वालिफाई कर जाता, इसका मतलब आप सोचिए उसकी कैचिंग पावर कैपेसिटी क्या है। तो वो क्या उपाय है, कौन सा ऐसा जादू का खजाना या क्या है जिसकी वजह से वो 3 to 4 मंथ के अंदर में नेट क्वालिफाई हो जा रहा है जबकि उस स्ट्रीम से नहीं है, और आप उसी से यूजी भी हैं, यूजी में भी आपकी सब्जेक्ट जो है और पीजी तो आपने उसी से किया और अब आपकी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 साल से आप लगातार दे रहे हैं और उसके बाद में एक नंबर दो नंबर से रुक जा रहा है, फिर दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, आज हम इसी को जानने वाले, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट मोर देन 200 एनटीए नेट क्वालिफाई हो चुके हैं अपने संस्थान से, ठीक है, और लगभग 40 के अराउंड फिगर में जो है जेआरएफ स्टूडेंट यहां से क्वालिफाई हुए बहुत सारे, तो उनका एक एक्सपीरियंस, ठीक है, वैसे तो असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी बहुत सारे एग्जामिनेशनों में लोगों ने क्वालिफाई किया, लेकिन हम यहां पर पर्टिकुलर बात करने वाले हैं एनटीए नेट की।
तो एनटीए नेट कैसे क्वालिफाई करेंगे, क्या क्या चीजें हर्डल्स आ रही हैं, क्या क्या चीजें आपके सामने आ रही हैं और क्यों इतना नहीं हो पा रहा है, आज हम पूरा इसी पे पूरी की पूरी बात करने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए, मैं कोई एक पॉइंट आपका छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरी बातों पर डिस्कशन होगा। लेकिन छात्रों एक बार ये है कि अगर आपने फाइनली बनाया हो कि नहीं हमको क्वालिफाई होना है, अगर हमारे पास में आर्थिक दिक्कतें चल रही हैं और सर मैं पीएचडी करना चाहता हूं लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो विश्वास मानिए आपको संकल्प लेना होगा, ठीक है, कि मुझे जेआरएफ करना ही करना है, किसी भी सूरत के अंदर में आपको जेआरएफ ही करना है, ये संकल्प लेना होगा। और संकल्प का छात्रों कोई विकल्प नहीं होता, ठीक है, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है। जब आपने एक बार अपने मन में संकल्प बना लिया है कि हमको क्वालिफाई होना है, हमको अपने हाथों पैरों पर हो करके और अपने पीएचडी को कंप्लीट करना है, अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, तो विश्वास मानिए संकल्प अगर हो चुका है तो हम होंगे कामयाब। एक दिन, एक ना एक दिन आपको जरूर कामयाबी मिलेगी, चाहे एक वर्ष लगे चाहे दो वर्ष लगे, अब हो करके ही रहेगा। बस ये देखना है आपको कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आप गलतियां कर रहे हैं। देखिए दो चीजें हैं छात्रों, मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको फोकस एक एक चीजों पर फोकस करते हुए चलिए, क्योंकि मैं जो अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चे जो जिन्होंने बताया वो पूरे एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ, आप उनको देख लीजिए। सबसे पहले दो चीजें, जैसे सपोज करिए कि अपने पास में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो चीजें होती हैं, एक तो उसका प्रॉब्लम के रूप में या प्रॉब्लम्स हो गया या जो आपका टारगेट हो गया आपने रखा कि एनटीए नेट नेट क्वालिफाई करना है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है, ठीक है। अब आपने ये टारगेट रख लिया, ये प्रॉब्लम आपके सामने है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के साथ में आप करना चाह रहे हैं, तो दो चीजें होती हैं, एक तो उसका जो है जो आपने क्या किया उसके लिए मीन्स क्या क्या किया आपके पास में, यानी आप उसके लिए क्या क्या चीजें करते हैं, आपने उसके लिए तो उसके रेमेडीज के लिए उसके इलाज के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, मतलब उस टारगेट को चेज करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। दूसरी चीजें, उस चीज को करते समय बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो उसके एंटी में होती हैं और क्या क्या ना करें, यानी आपने प्रिकॉशंस क्या क्या लेकर के रखे हैं आपके पास में, परहेज क्या क्या ले, दोनों चीजें पैरेलल में है, आपको कोई डिजीज हो गई है, आपको कोई लाल, कई लोग कहते हैं ना कि सर मतलब अब जॉब तो मिलेगी ही नहीं है तो लाल इलाज है, ऐसा नहीं है, आप एक बार लग करके देखिए तो ढूंढने से तो खुदा मिल जा रहा है। तो इसमें इस तरीके से अगर आपने दिमाग लगा कर रखा तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। अच्छा, जब कुछ ना कुछ, जैसे ये भी एक होता है, कई बार मैंने देखा कि जब मैं ये शब्द कहता हूँ या आप भी सोचे अरे सर अंडर एस्टिमेट, कुछ ना कुछ कर लेने से अच्छा है मैं कुछ और करके, देखो भाई छात्रों ये शुरुआत होती है जीवन के, किस मोड़ में किस जगह पर जाकर के कब आप बहुत बड़ा कर जाएंगे ये कुछ नहीं पता, लेकिन जब शुरुआत होती है आपने बड़ा टारगेट रख करके चला हुआ तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और वह कुछ ना कुछ एक दिन जब आप उस पर करना शुरू करेंगे तो जो पूरा पूरा एक्सपीरियंस है ना, उस पूरा एक्सपीरियंस जब उसमें चीजें लगेंगी तो कहीं ना कहीं और लोगों से उसी पद पर रहते हुए और लोगों से और बहुत बेहतर आप कर रहे होंगे, ये मेरा अपना मानना है। लेकिन हम यहाँ सबसे पहले बात करने वाले हैं कि इलाज, क्या इलाज करने के लिए आपके पास में क्या क्या कर रहे हैं, मतलब उस टारगेट को चेज करने के लिए आपने क्या क्या करना है, कार्यकारी जो सिद्धांत है उसको कैसे कैसे आप लागू करना, और साथ ही साथ में परहेज, दोनों चीजें लेकर के चलना है, और आज हम लोग इसी पे पूरी की पूरी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए एक्सक्यूजेस क्या क्या आए हैं पहले हम वो गिना दें, क्योंकि मैंने जब लोगों से पूछना शुरू किया भैया पेपर कैसा था तो लोगों ने एक ही सुर में बोला सर सब्जेक्ट बहुत अच्छा, मतलब ये फर्स्ट पेपर के अंदर में थोड़ी सी कमी आई, सर हम टाइम नहीं दे पाए, मतलब आप सोचिए ये बहाने कहीं आप चेक कर लीजिए कि आपके पास में नहीं है, टाइम नहीं दे पाए, ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें उनके पास में, टाइम नहीं दे पाए, सर टाइम मैनेज एग्जाम के दौरान, मतलब एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, प्रिपरेशन के दौरान टाइम नहीं दे पाए, ठीक है, रिवीजन नहीं कर पाए, ये भी एक चीज आता है कि सर मैं रिवीजन नहीं कर पाया, ये मेरी कमी रही है, मतलब ये मैं फीडबैक लेकर के मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से बात किया और उसके बाद मैं आपको ये फीडबैक बता रहा हूँ कि ये चीजें हुई, ठीक है। रिवीजन क्या, सर फर्स्ट पेपर गड़बड़ हो गया, ठीक है, फर्स्ट पेपर गड़बड़ हो गया, वो चीज मतलब नहीं समझ में आई, तो फिर मैंने पूछा कि बहुत अच्छे तैयारी की, नहीं सर किया नहीं था, हाँ तो किया नहीं तो फिर किस बात के लिए आप सोच रहे हैं,
मतलब आप सोचिए ये हो गया तो फर्स्ट पेपर गड़बड़ हो गया, रिवीजन नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में गड़बड़ हो गया, उसके बाद में प्रिपेयर टाइम नहीं दे पाए क्योंकि हमने और इन चीजों में समय दिया, ठीक है ना। ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो बार बार लोगों ने मतलब ये चीजें कहा कि ये सब चीजें। फिर कई लोगों ने कहा कि सर प्रॉपर नोट नहीं बने थे, प्रॉपर नोट्स नहीं थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी नहीं हो पाई थी, जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर इनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी, ये भी एक है। फिर उसके बाद में एक जो आपने टेस्ट सीरीज कराई थी वह भी तैयार नहीं हो पाई। तो मतलब सर आप ये सोचिए कि इतने एक्सक्यूज लेकर के, इतने ढेर सारे एक्सक्यूज लेकर के, और लोग कल्पना करते हैं कि सर मेरा JRF हो जाता तो कितना अच्छा था। आप सोचिए कितना मतलब इजली कहते हैं कि JRF हो जाता तो कितना अच्छा था। छात्रों फील करिए ये कंपटीशन है, कंपटीशन का मतलब आप ऐसे फीलिंग करिए, सपोज करिए आप कोई एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर मतलब रोजगार देने वाले कोई ऐसे व्यक्ति है, ठीक है। अब आपके सामने है कि आपको बुलाना है व्यक्ति को, किसी न किसी व्यक्ति को हायर करना है। आप ऐसी फीलिंग करके चलिए, देखो मैं इसलिए रियलाइज कर रहा हूं क्योंकि आप जब एक बार इसका रियलाइजेशन कर लेंगे ना, फिर अपने आप आपके मन में सवाल हो जाएगा और आप अपने आप जान जाएंगे या तो मैं करूंगा या तो क्विट करूंगा, दो में से एक ही करूंगा आप फाइनल। तो आज हम आर पार की बात करने वाले हैं, आप इनको समझिए। तो देखिए जैसे सपोज करिए कि आपने किसी को हायर करना है, ठीक है, किसी व्यक्ति को आपने चूज किया कि हमको इस व्यक्ति को हायर करना है। तो लेकिन अब आपके पास में देख रहे हैं कि यहाँ पर संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे मतलब घूम रहे हैं। तो अब इतनी संख्या में अगर आपके पास में इतने इतने लोग यहां पर घूम रहे हैं और इसमें से किसी एक की वैकेंसी को, मतलब ये मान के चलिए एक को ऐसे आपको हायर करना है, फिर आप क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, मतलब बेस्ट इफिशियंसी आपके अंदर में, वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से आपको सरकार ये कह दे कि भैया आप रिसर्च करो और आपके रिसर्च का वाहन हम खुद अपने आप से करेंगे। आपके अंदर में क्वालिटी है कि आप कोई काम करेंगे तो इतने सिंसियर होकर के करेंगे, इसलिए हम आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने के लिए तैयार हैं। तो भैया ये आप सोचिए कि 5 ईयर तक अगर आप ये सुविधा लेना चाहते हैं सरकार से तो अपने आप को अव्वल तो दिखाना पड़ेगा कि हमारे अंदर में डिफरेंस फ्रॉम अदर क्या है, यानी हमारी जो समझ है वो कितनी ज्यादा है, ठीक है, और लोगों की अपेक्षा करें। भाई देखो नेट तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई हो गए और आप भी जाकर के क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर आप में और लोगों में अंतर क्या है, कैसे पता चलेगा कि आपकी इफिशियंसी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है और लोगों की अपेक्षा करके आप बेहतर कर पा रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि जो लोग अभी तक ये सोच रहे हैं कि इतने एक्सक्यूज गिना करके और उसके बाद में चाह रहे हैं कि उनको सफलता मिल जाए, तो लिख करके लिखिए उनको सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि दो चीजें हैं एक्सक्यूज, ठीक है, जो एक्सक्यूज है छात्रों और सक्सेस, ठीक है, जो एक्सक्यूज और सक्सेस है ये दोनों एक साथ नहीं मिल सकती, आपको दोनों में से एक किसी को चूज करना होगा। ये आपको डिसाइड करना है, एक्सक्यूज बहुत पसंद है तो ठीक है अपने एक्सक्यूज गिनाते रहिए, एक के बाद एक बड़े बड़े भयंकर एक्सक्यूज गिनाइए, ठीक है, ये हो गया, फिर मैं बीमार भी हो गया तो उसमें एडमिट कार्ड खो गया, तो मैं समय से फॉर्म नहीं फिल कर पाया, तो फिर मैं EWS पे क्लिक नहीं कर पाया, मैंने अपना रिजर्वेशन कोटा नहीं लगा पाया, मतलब कोई ना कोई एक्सक्यूज तो है आपके पास, मतलब क्या है वो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके पास में कोई ना कोई एक्सक्यूज है, तो आप एक्सक्यूज दीजिए। और अगर आप सक्सेस चाहते हैं छात्रों कि नहीं मतलब आई वॉन्ट टू बी सक्सेस, ठीक है, मतलब मुझे होना ही होना है, तो छात्रों मैंने ऊपर ही लिख दिया कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है, कोई अल्टरनेट आप नहीं छोड़ करके रखे हैं, चलो हो जाएंगे तो देखेंगे, नहीं होगा तो भी देखेंगे, ये नहीं है आपके पास, अब होना ही होना है, ठीक है, अब होना ही होना है, चाहे जैसे होना है सर, चाहे ये 6 महीने लगे चाहे 6 साल लगे, अब डिसाइडिंग देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, होना ही होना है, अब 6 माह लगे और चाहे 6 साल लगे, ये है काम हो करके रहना, ये डिसाइड, ये संकल्प करना होगा। अब देखिए ये छात्रों ये संकल्प है, अब इस संकल्प में क्या है कि दो चीजें मैंने बताया कि एक तो एक्सक्यूज आपको हटाना है, दूसरी चीज है संकल्प लेना है, और संकल्प लेने के बाद में आपने अपना इलाज शुरू कर देना है, ठीक है, कि चलो भैया अब इस पे हम अपना अपने संसाधनों, जो भी हमारे पास में संसाधन है उन संसाधनों को लेकर के, जो भी मीन्स है ट्रांसपोर्ट, जो भी चीजें हैं
उनको लेकर के हम उस टारगेट को चेज करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकल चुके हैं। कई बच्चे हमसे मिलते हैं, सर इकोनॉमिकल बहुत दिक्कत है। हम कहा भाई पढ़ो, कौन सी दिक्कत है, हमारे पास में आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप ही ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप इकोनॉमिकल धीरे धीरे करके दिक्कत हुई, लेकिन उस दिशा में बढ़ना शुरू कर दीजिए। उस दिशा में जब तक आप बढ़ेंगे नहीं, कदम नहीं निकालेंगे, तब तक फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक आप कदम निकालें, आप आगे बढ़ने की, कुछ बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हमसे मिले थे, इनके पास में कुछ भी नहीं था तो भी लेकर के मुलाकात की और उसके बाद में जब चलना शुरू किए छात्रों ना, तो एक दिन कारवा बन गया, बहुत सारा बहुत कुछ किए। ये भी बात है, संस्थान से जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों की मदद भी करते हैं, अब बहुत सारे लोगों को वो कहते भी हैं कि जा करके यहाँ से आप अगर इस सब्जेक्ट के साथ में एटलीस्ट सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बेहतर वहां पे कर लेंगे, आपको वो एनवायरनमेंट वहां पर मिलेगा। अच्छा, हम लोग जो बात करने चलेंगे वो जो आप संकल्प करने की बात है कि यहाँ पर 6 माह लगे, 6 साल लगे, ये तो होता संकल्प कि सर नाम वाला कोई विकल्प हमारे पास में नहीं है, या हम सर कुछ भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अब नहीं हुआ तो भी ठीक है, ये सब नहीं। सर होना है तो होना है। अब देखिए उसमें ये आता है कि किसी के पास में कोई पैदल चल पड़ा, कुछ नहीं है, एकदम पैदल चल पड़ा है, एकदम मतलब जो है, तो भाई पैदल चल पड़ा और एक रास्ता बता दिया गया कि यहाँ से पहुंचना है, बहुत सारी बाधाएं हैं, बीच बीच में मार्ग हैं, ठीक है, और उसके बाद में फाइनली बहुत सारे घूम टहल करके और फिर फाइनली आप जो है एक सक्सेसपुर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है सफलतापुर तक पहुंच जाएंगे, सक्सेसपुर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे बाधाएं। पैदल इंसान चल दिया, लेकिन जब संकल्प लिया तो क्या करेगा भाई, जब आपने एकदम ठान लिया कि अब हमको यहाँ तक पहुंचना है, तो धीरे 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 करके फिर एक ना एक दिन वहां तक आप पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या लगता है, टाइम थोड़ा सा ज्यादा रख, और इसी टाइम के दौरान बीच बीच में रहते हैं चौराहे, ठीक है, और इन चौराहों पर क्या रहता है छात्रों, वहां पर व्यक्ति के डाइवर्ट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। मैंने देखा है कि जैसे ही थोड़ा सा इंसान बढ़ा, तैसे वहां पर कोई मिल गया, अरे भाई जब तुम रीजनिंग की तैयारी कर रही है, मैथ ले लिए तो तुम क्यों नहीं वीडियो का फॉर्म डाल देते, तुम ये क्यों नहीं, SSC क्यों नहीं, बैंक क्यों नहीं, मतलब उनको समझाने वाले इतने लोग बीच में हैं, अरे BEd ही कर डालो भाई, अब कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तब तक यही अपना निकल जाए। मतलब ये जो चीजें होती हैं छात्रों, वो क्या है कि आपके संकल्प वाले जो पॉइंट पर, मैं फिर कह रहा हूँ कि संकल्प वाले पॉइंट पर वो आपको डाइवर्ट करती हैं, तो इससे कहीं ना कहीं जो टाइम आपको 6 मंथ की लगना था वो 6 साल की ओर धीरे धीरे करके अग्रसर होने लगता है। यानी अब आपका 1 साल 2 साल, क्यों, क्योंकि आपने टाइम और भी जगह दिया है ना। लेकिन जब आपने फाइनली कुछ नहीं सोचा कि सर अब हमारे पास में कुछ नहीं है, अब केवल फायरिंग है, बस मेरे चारों तरफ ही दुश्मन ही दुश्मन, मेरे सामने समस्याओं का अंबार है, मैं जिधर भी उठा करके सर देख रहा हूँ सिर्फ दुश्मन ही पड़े हुए हैं, सारी समस्याएं हैं, तो भाई अब या तो निगेटिव हो जाएगी, सर चारों तरफ समस्याएं हैं, सरेंडर कर जाइए, ठीक है, और या तो यह है कि उठाइए अपने दिमाग को, अपने गन को, और सिर्फ फायरिंग करना शुरू किए, कोई अपना नहीं है, चारों तरफ से दुश्मन है, और मारते चले जाइए, ठीक है, और अपने मुकाम तक पहुंचिए। दो चीजें हैं। तो भाई छात्रों यहाँ पर क्या, पैदल भी चला कोई व्यक्ति थोड़ा सा दिमाग से तेज अपना चल रहा है, ठीक है, इसका मतलब उसके पास में साइकिल है। समटाइम्स कभी कभी दोनों लोग हैं दिमाग के तेज, दो लोगों के पास 2 साइकिल, लेकिन एक मौज मस्ती में कर रहा है, आराम से चल रहा है, एक खींचम खींच एकदम एक एक सेकंड का टाइम यूटिलाइज करते हुए चल रहा है। कैसे, टेस्ट वही है, एक बार एक व्यक्ति ने वो भी आया ज्वाइन किया, बस एक बार टेस्ट हुआ, एक बार दे लिया, वो भी व्यक्ति टेस्ट दे लिया, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा कि उसी बीच में सर ने बताया था कि जो टेस्ट देने के बाद में 100 क्वेश्चन दिए, 100 में से हमको 70 समझ में आ गए, लेकिन 30 हमको नहीं आए, वो 30 हमको दोबारा सॉल्व करना, फिर दोबारा सॉल्व किए, फिर भी 5 नहीं, फिर तिबारा कर दिए, तो ये 500 सही हो गया। यानी पूरा 100 क्वेश्चन लपालप एकदम तैयार आपका। तो अब ये जो 100 क्वेश्चन वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि एकदम बिल्कुल हमको तैयार करके रखना है, ये व्यक्ति, ये भी साइकिल था, औसत मीडियम मतलब जो है वो था, औसत बुद्धि का बालक, 3 टाइम्स यूज किया, 100% क्वेश्चन अपना जो कुछ भी था उसके पास, फुल पोटेंशियल, यानी अपनी उस बाइसिकल का फुल पोटेंशियल यूज किया, तो टाइम से पहले उतर गया, टाइम से पहले पहुंच गया वहां पर। यही कॉन्सेप्ट है कि भाई साइकिल लेकर जा रहे हैं वहां पर, बात क्यों, रास्ते में जब कहीं पता लगा, अगले व्यक्ति पता चला हाँ भाई वो पहुंच चुके हैं, तो वो कह रहा अच्छा अच्छा पहुंच चुके हैं, तो इसका मतलब अब हम भी पहुंचने ही वाले हैं वहां पर, अब तो कंफर्म ही हो गया। हम यही चाह रहे थे कि हमारे पास वाला अगर कोई पहुंच जाता वहां पे तो हमको कंफर्मेशन मिल जाता कि अब हम तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो वह व्यक्ति भी जो उसके साथ वाला है वो भी क्या करता है, वो भी चलता है, लेकिन अब छात्रों उसको और आराम हो जाता कि अब धीरे धीरे करके भी पहुंचेंगे तो वहां, लेकिन इस दौरान वो उसको लगता है टाइम,
जहां पर वो बंदा छह माह में पहुंचा वहां पर एक साल लग गया, और चूंकि अब उसको माइंड में है कि पहुंचना है, ही सर ने बताया ही पहुंचूंगा, तो एक साल की जगह पर एक साल से जैसे ज्यादा लगने लगा तैसे उसके अंदर में निगेटिविटी आ जाती है। सीधा फंडा, बहुत सारे लोगों को आपने देखा हो, बहुत सारे एग्जामिनेशन आपके सामने बच्चे क्वालिफाई किए, आप बोले हमारे साथ में पढ़ा, इसका दिमाग भी उतना तेज नहीं था, ये नहीं वो, मैं तो ईसा वैसा, और उसके बाद में जब वो दूसरे का हो गया तो वो कह रहा है बस वहां मैं पहुंच जाऊंगा, उसके बाद ऐसे ऐसे किया बस मैं भी वहीं पहुंचा, लेकिन अंत में पता चला कि अब तो वह व्यक्ति निगेटिव हो रहा है, इसलिए कि लगा था कि ये छह महीने में पहुंच गया, अब मैं इससे जो भी है इससे दिमाग में तेजी हूं तो अगला छह महीने और लगेगा, अगली बार मैं भी क्वालिफाई, लेकिन पता चला कि अगली बार जब दिया तो फिर एक नंबर से रह गया, तो एक साल जब बीत गया तो किसी ने फीडबैक लिया, क्या हुआ अपना ही फीडबैक लिया, तो पता चला कि सर अब थोड़ा निगेटिव हो रहा है, कहां से लाएं पैसा, कैसे क्या करें, कौन सी तैयारी करें, जीवन यापन करने के लिए दिक्कत हो गई। छात्रों ये आपके जीवन का, मैं बार बार बता रहा हूं, पूरी स्ट्रेटजी आज शेयर करने वाला, पूरी बातें हैं, आप एक एक बातें बैठ करके ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए कौन सी गलतियां क्या कर दी हैं आप, कौन सी चीजें आपने कर दिया जिसकी वजह से रिजल्ट आपका पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है, जीवन में वह मुकाम तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां बार बार आपके सपनों में आपके सामने आ रहा है कि मुझे यहाँ पहुंचना चाहिए, मैं यहाँ के लिए बना हूं, और फिर भी वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों को देख रहे हैं कि हमारे साथ में औसत एवरेज बुद्धि वाले लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां एंजॉय कर रहे हैं, और हम इतना कुछ होने के बाद में पोटेंशियल भी हम वहां नहीं पहुंच पा रहे, तो उसके पीछे रीजन देखिए क्या होता है, कैसे चीजें होती है। वहीं पर किसी किसी व्यक्ति को कभी कभी क्या होता है, जैसे होता नहीं कि सीढ़ी पर चढ़ाई करनी है छात्रों, तो आपने देखा होगा रोपवे भी मिल जाता है, सीधा एकदम रोपवे लैंड कर दिया, एकदम सीधा आसान जा रहा भैया। अब ये देखिए चीजें जब जाने की शुरू होती हैं छात्रों, स्टेयर वाला जब जाता है रोपवे जाता है, तो दोनों में अंतर क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यही काम होता है, बहुत सारे लोग समझ नहीं, लेकिन चूंकि मैं बता रहा हूं कि एक व्यक्ति स्टेयर से जब जाता है ऐसे ऐसे मेहनत करते करते, बहुत मेहनत करने के बाद, लेकिन स्टेयर से जाने का मजा क्या है, अब वो अपने आस पास में देखते सब कुछ एकदम देखते, थक गया बैठ गया, फिर देखा चला उठा बैठा थक गया, लेकिन यहाँ पे क्या रोपवे वाले व्यक्ति के साथ में क्या बैठा सीधा एकदम शांत, वो जब तक ये समझ उमर रहा तब तक वहां पर पहुंच गया। तो छात्रों होता क्या कि वो जो चीजें होती हैं, जो उसके आसपास की चीजें होती हैं, वो उनको क्या नहीं कर पा रहा है, रोबे में बैठा तो, लेकिन वो उनको रीड नहीं किया। बाद में पूछा गया कि फिर हर रास्ते में कौन कौन सी चीजें थी, फिर क्या देखा, कितनी चीजें थी, क्या हुआ, वो उन चीजों को उतना नहीं बता पा रहा है, वो सीधा बैठा साए से पहुंच गया। मतलब मोटी मोटी भाषा में मैं बता दे रहा हूं कि जैसे कोचिंग संस्थान है, आया सीधा बना बनाया पूरा मैटर कंटेंट सब किताब का निचोड़ उचोड़ बना करके सीधा दे दिया गया, लॉन्च धड़धड़ाते हुए बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल धड़धड़ाते हुए, मतलब एकदम सीधा आया आपको 1-to-1, 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 1-to-1 सारे स्टेप पे ले जाके पहुंचा दिया, वहां से थोड़ी सी मेहनत अपना कर करके और आप टेम्पल में पहुंच करके दर्शन हो गया, आप दिव्य हो गए, काम खत्म। ये कॉन्सेप्ट आपका लेकर क्या आ रहा है, लेकिन अब यहां पर एक बार आपको खींच के पहुंचे, ये वाला व्यक्ति बेचारा ओ कहीं ना कहीं से चीजें कलेक्ट करके थके हारे पसीना पहुंचते हुए रोते लेटते बैठते एक ही धुन में कि बस पहुंचना है, सब कुछ लगा रहा है, आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। गलती क्या कर देता है इंसान, ये पहुंच गया सोचा मैंने तीर मार दिया, गलत किया, क्यों, क्योंकि कुछ पॉइंट पर जब वो एक बार में तेजी से जा रहा है तो कुछ पॉइंट को उतना तो नहीं कर पाएगा कंसंट्रेट, जो बच्चा अपने आप से जा रहा है वो सारी चीजों को कंसंट्रेट करते हुए जा रहा है, फिर क्या करें सर, मतलब हम रोपवे बंद करा दें, रोपवे का ना यूज करें, पैदल ही चलें, नहीं चलें बिल्कुल समय को देखते हुए, ऐसे देखो आप जाकर के कितने लोग रोपवे का यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं रोपवे का नहीं यूज कर पा रहे हैं, ठीक है उसी से जा रहे हैं। समय की आपके ऊपर कितना महत्वपूर्ण है आपके पास में, कि सर आपके पास टाइम कितना है, पूरे दिन भर का समय लगा रहे हैं खाली जाने और आने में, और फिर आपने कहा कि नहीं हम यहाँ का अपना दर्शन वर्शन करके और आगे के कार्यक्रम में पढ़ लेते हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से प्लान बनाते हैं तो यहाँ हो क्या रहा है कि सर वो चीजें कैसे हमारे पास में छूट जाएंगी और हम कैसे जानेंगे, तो भैया जब ये चीजें जाने लगती हैं, चीजें पहुंचती हैं, तो आपको करना क्या है कि जब एक व्यक्ति यहाँ पर चढ़ाई करता है और तीन से चार घंटे में चढ़ाई कर रहा है, और आप 5 मिनट में चढ़ाई कर रहे हैं, 10 मिनट के अंदर में चढ़ाई कर रहे हैं, 15 मिनट में कर रहे हैं, तो आप 3 चक्कर मारो ना, गलती यही ना कर रहे हैं आप, एक बार बैठ करके जाइए फिर वापस आइए, फिर बैठ के जाइए फिर वापस आइए, फिर बैठ के जाइए फिर वापस आइए, क्या होगा, मतलब आप सोचिए हो क्या रहा है, मतलब अब ऐसा अगर हुआ बैठ करके जा रहे हैं अपना खुद ही देखते जा रहे हैं, बस ये
कि की पॉइंट्स देखते रहना है नीचे, कि बहुत सारे लोग लगे हुए चप्पे चप्पे पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब आपको सब सुविधा दे गई, पूरा नोट्स बना करके सारी किताबों का पढ़ करके निचोड़ सब बातें बैठ करके कोई समझा डाल रहा है, और आप सब सुन करके डकार गए, कह सर बहुत सही बता दिया, बहुत बढ़िया बता दिया आपने, एकदम बिल्कुल ज्ञान खुल गया। उसके बाद में कहे बस अब बस सर अब बड़ा आनंद आ गया, अब सोना है, अब पूरा दिमाग एकदम खुल चुका है। तो ये गलती होती है, ये रोपवे पर बैठने की ये गलतियां बहुत सारे एस्पिरेंट करते हैं छात्रों, ठीक है। मतलब जब आप बड़ी मुश्किल से जा करके ढूंढ डांट करके किताबें लाते हैं ना, जब आप अमेजन पे लिखा रहता महीने महीने दो दो चार चार महीने की स्टॉक में नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से वो किताब मिलती है, फिर समय निकाल निकाल के किसी तरीके से लिख लिख के तो पढ़ करके, और जब नोट बना करके जब आप उसको वाचन करते हैं ना, वही होता है स्टेयर की चढ़ाई। और फिर जब कोई व्यक्ति आपको कर दिया तो ठीक है, एक बार चढ़ गए तेजी से, क्योंकि वो पढ़ करके रखा तो तेजी से बता सकता है जीवन को समझ करके, जैसे मैं हूँ इतने एक्सपीरियंस को तेजी से बता सकता हूँ। लेकिन जो बच्चा अभी इसको किया ही नहीं है, जिसके सामने 100-200 लोग क्वालिफाई नहीं है, वो क्या एक्सपीरियंस को शेयर करेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आप उसको दो बार सुन सकते हैं, तीन बार सुन सकते हैं, आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट पर ध्यान दे, इतना पेशेंस ही नहीं है लोगों के अंदर में कि पूरी बात को सुन सकें। इधर अपना वो पढ़ाने वाला बताओ सर, सीधा सीधा पढ़ाने वाला सर, मतलब भाई छात्रों यही एक्सपीरियंस है जो मैं आपको रोपवे के अंदर में जाते हुए रोपवे के अंदर में भी रोक करके बता रहा हूँ, स्टे ले लेकर के बता रहा हूँ। फिर कई लोग घबराने, सर जल्दी निकाल दो सर, एक बार पहुंचाओ सर, कोर्स खत्म करो, खत्म करो यात्रा सर। मतलब ज्यादातर लोगों को आपने देखा होगा, सर कोर्स हमारा खत्म हो जाए, खत्म करो सर। तो कौन सा कर रहा है भाई, वो तो उनके पास एक्सेलेटर है, एक्सेलेट किए सीधा आपको उतार दिए, काम खत्म, भैया पहुंच गए, आप उतरो यहाँ जो भी है करो अपना। तो भाई छात्रों मैं जो अभी आपको बताने जा रहा हूँ, आप एक एक चीजों पे बहुत ही गहराई से ध्यान से समझिएगा। तो ये जो संसाधन है, किसी के पास हेलीकॉप्टर है, किसी के पास टट्टू है, किसी के पास पैदल है, कोई कैसे कैसे कर करके वहां तक पहुंच रहा है, लेकिन पहुंचना सबको है, मार्ग है। अब यहां से शुरू होता है खेल भटकने वाला, ठीक है। कि जब वो जाता है तो कई बार ऐसा होता कि सो गया, बैठ गया, देखने लगा, ये करने लगा, वो करने का, क्योंकि डाइवर्जन यहाँ से बहुत ज्यादा होते हैं। तो डाइवर्जन से बचना भी है, ठीक है। कोच के साथ में रहना है, परमानेंट लगातार कंटिन्यू आपको एक के बाद एक स्टेप टू स्टेप आपको आगे बढ़ते हुए चलना है, पहली चीज ये हो गई। दूसरे यानी इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो हम बात कर रहे थे, हर कोई पहुंचेगा, आप में से एक एक विद्यार्थी पहुंचेगा, हर कोई सिलेक्शन लेगा, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, मेरी अंतरात्मा कहती है। ऐसे ऐसे अभ्यर्थियों को मैं सफल होते देखा हूँ जिनके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी, जो जिनकी आर्थिक स्थिति ये अलाउ नहीं करती थी कि वो ठीक ठाक ढंग से खा सकें और ठीक ठाक ढंग से पहन सकें, वो बच्चे तक अगर सफल हो सकते हैं जो ठीक से बोल नहीं सकते थे, अपनी बात को दूसरों के समक्ष ठीक से रखने की कैपेसिटी नहीं थी, आंग्ल भाषा थे तो इतनी दूर दूर तक उनका नाता रिश्ता नहीं था, अगर आंग्ल भाषा का एक शब्द कह दिया जाए उनको लगता था कुछ जटिल बातें हो रही हैं और उसके बाद वहां से दूर, अगर वो सब सफल हो सकते हैं तो निश्चित रूप से मान के चलिए आपको सफल होना ही होना है। बस अपना जो संसाधन है, क्योंकि आज हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक इलाज आप करवा रहे हैं, इलाज से संबंधित जो मींस है उनका यूज कर रहे हैं, लेकिन परहेज कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको जरूरी है, ठीक है। शुगर की दवाई चल रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन भैया उसका कुछ परहेज भी होता है, उसको भी करना पड़ता है, ठीक है। एकदम से छोड़ना छाड़ना नहीं पड़ता जब तक आप फिट ना हो जाएं, ठीक है। हाँ वो बात ठीक है कि अगर आपके पास में संसाधन है तो आप बिना परहेज के भी रौनते हुए जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिट रहना है छात्रों, अपने समय से अगर आपको पूरे लाइफ का ये कह लीजिए कि अपने जीवन में सफल होना है, तो आपको जो रेमेडीज हैं उनको करते हुए, जो भी हमारे पास में परहेज हैं उनको भी करना होगा, ठीक है। तो रेमेडीज के साथ साथ में जो है हमको, जब तक हम कह लीजिए कि परहेज नहीं करेंगे चीजों का, तब तक वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा अब हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या और क्या पॉइंट, मतलब ये तो हम एक्सक्यूजेज बता दिए, इलाज में क्या क्या करना है आपको और परहेज में क्या क्या करना है, अब सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। जब इलाज के दौरान की बात आती है छात्रों, तो एक होता है कि सीधा सीधा जब केस बिगड़ा रहता है, ठीक है, तो आपको बिगड़ा हुआ केस का मतलब समय सर काफी हो चुका है, दो तीन चीजें होती हैं। जब एक आपका समय सर पास किए हुए काफी समय हो गया है, 4 साल पढ़ाई छोड़े हो गया, 3 साल से हम लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे व्यक्ति को इलाज की जरूरत है, ठीक है।
सर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बड़ा राइट टाइम रहते हैं, सब कुछ कर लिए अपनी तरफ से, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा लेवल सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब उसको इलाज की जरूरत है प्रभु, ठीक है। नहीं कराएगा तो फिर स्थिति खराब हो जाएगी, बद से बदतर होता चला जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे चल करके इंसान जो है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप सोचिए निगेटिव हो जाएगा, अब आप तो जब टाइम ज्यादा हो चुका है, चीजें छोड़े हुए, ठीक है, और उसी अवस्था में पड़े हुए हैं, तो जैसा आप करते थे वही फिर आप करेंगे, तो जो आपको पहले रिजल्ट मिलता था फिर वही रिजल्ट मिल जाएगा, काम खत्म। इसका मतलब हो गया जब तक आप कुछ नया करेंगे नहीं तब तक आपको नया कुछ मिलेगा नहीं। क्लियर हो गई बात, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एक एक बातें जान लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है छात्रों। ये सब ऐसे चीजों को नहीं है कि बस ऐसे बोला उनका कोई मतलब नहीं है, आप एकदम क्लियर कट जाने, वही किताब, वही नोट्स, वही बातें, वही चीज, वही उत्साह, वही लेकर के आप वही सब कर रहे हैं, तो जब वही कर रहे हैं तो जो रिजल्ट पहले मिला वही रिजल्ट फिर मिल जाएगा, ठीक है। आप कुछ डिफरेंट करने के लिए सोचिए, लगिए, कुछ प्रोग्राम बनाइए, ठीक है। तो ये आपको चीजें करनी है, पहला तो ये हो गया कि आप अगर इस अवस्था से भी है। दूसरी चीज है, एक तो ये जब ज्यादा गैपिंग, यानी गैपिंग, एक तो हम गैपिंग की बात कर लिए कि गैपिंग अगर आपके बीच में आपके पढ़ाई को छोड़े हुए, दूसरी टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास में टाइम की प्रॉब्लम है, कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है, आपने देखा हो हर कोई चाहता है कि चलो भैया आराम से चलें, उसके बाद में हरि दर्शन करें, आराम से पैदल चल करके उसका आनंद, लेकिन अब आपके पास में टाइम नहीं है। अब आपको लग रहा कि टाइम है ही नहीं हमारे पास में, सर हम 24 इतने घंटे का समय नहीं दे, हमें और भी देखना, हमें रिटर्न भी होना है, तो भैया फिर तो आपको सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। यानी अब आपके पास में वो टाइम नहीं है, वो वाला महसूस नहीं है कि सर अभी तो हम ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन में ही, ग्रेजुएशन के बाद पीजी में किए, पीजी के दौरान पी, अभी तो पीजी कर रहे हैं उसी दौरान नेट की तैयारी शुरू कर दी। तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उधर पीजी किए तुरंत जेआरएफ हो जाते हैं, ड्यूरिंग पीजी बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने देखा है कि वो नेट हो गए, जेआरएफ हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थी हमसे जुड़े हैं ऐसे जो पीजी के दौरान ही कर लिए। तो इसका मतलब हो गया उनके पास में टाइम था आराम से, उनको कुछ नहीं, वो अपना चाहे आराम से कर सकते, कोई गैपिंग नहीं। तो टाइम अगर आपके पास में नहीं कम है, गैपिंग की समस्या है, तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा कोच की, आपको हेल्प लेना पड़ेगा लिफ्ट की। सीधी सीधी बात जान लीजिए, एकदम क्लियर कट मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ भी गोल मोल वाली बात नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगर आप इन चीजों को नहीं करते हैं, अगर ऐसे चाह रहे हैं कि नहीं मैं सीधा सीधा भैया मेहनत करते हूं, तो ठीक है टाइम टेकन लग जाएगा, एक कह लीजिए कि आपके लिए परेशानी का सबब बनेगा वहां पर, हाँ तब भी हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको आगे समय देना पड़ेगा। तो दो तीन चीजें हैं कि अगर आपके पास गैपिंग हो, टाइम की प्रॉब्लम हो, और इतनी चीजों को मैनेजमेंट करके लेकर के चलने की जब अगर आप बात आ रही है, जैसे कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ व्यक्ति क्या होते हैं एकला चल, ठीक है, मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऐसे देख रहा, वो एकला चल वाले हैं, बिल्कुल चले गए कमरे में एकदम बिल्कुल बंद, एकदम महीने भर एकदम इसी में पैक हो गए, कहीं कुछ नहीं। लेकिन कई मैंने लोगों को देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गेट टुगेदर होना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि अगर ये लोग कर रहे हैं तो फिर वो हम भी अपना बैठ करके कर लेंगे, नहीं तो फिर ये, तो ये जो चीज है इसका मतलब ये हो गया कि जिसको वो एक माहौल का इंतजार करते हैं, ठीक है, बस माहौल बना सर, बातचीत हुई, चलो अब सर शुरू और एकदम बेहतर। तो इसके लिए भी आपको एक ग्रुप की, एक बेहतर ग्रुप की जरूरत होती है, ठीक है, एक बेहतर ग्रुप, बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, बेहतर कोच की जरूरत होती है, जहां पर ऐसे एनवायरनमेंट चल रहे हो कि जहां पर आप बार बार अगर देख रहे होंगे, अच्छा यहाँ पे ये कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे रहते हैं, इनका नंबर ऐसे आता, ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो गया, तो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग चलने लगता है और वो खुद बूस्ट करने लगते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हैं जिसको आपको बता दे रहा हूँ कि आप किस कैटेगरी वाले में है और उसको अपना डिसाइड कर लीजिए और कैसे आपको आगे बढ़ना। बाकी हर तरीके से हम आपके साथ में हैं, आपको कभी कोई दिक्कत हो, कोई चीज हो, मैंने कहा कि आप देखिए समय हो सकता है कि ना मिल पाए, तो आप ये नंबर मैं दे करके इसीलिए फेमस करके रखा हूं कि आपको कभी भी अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत आती, कोई बात ना, कुछ टाइम है फोन नहीं पिक हो पा रहा है, कहीं बिजी है, तो आप व्हाट्सएप लिख करके अपनी बातों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। 7565-9555-83 इस नंबर पर आप जरूर कम्युनिकेट करिए, निश्चित रूप से करिए। अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, जो भी चीजें लोग जान रहे हैं उनसे कम्युनिकेट करते रहिए, अपनी चीजों को बताते रहिए, अपनी चीजों को डिस्कस करते रहिए, लोगों के बीच में करते रहिए। हमारे पास में अपने तमाम वैसे ग्रुप हैं, फ्री ऑफ कास्ट वाले तमाम ग्रुप हैं, उन ग्रुपों के अंदर में जुड़िए, जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप कोई ना कोई क्वेश्चन करेंगे, कुछ ना कुछ लोग उस पे जवाब प्रतिक्रिया अपनी देते ही रहेंगे, ठीक है, और जिसका आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी हम तो आपके साथ हैं, एक प्रॉपर वे में भी आपके साथ में मैं लगा हूँ, ठीक है। मैं कई बार इन चीजों को ये कहा कि अब समय नहीं है
और इतना कह लीजिए कि इतनी एनर्जी भी नहीं इतनी होती है कि चीजों को वो किया जा सके, क्योंकि बहुत सारे कह लीजिए कि एकेडमिक व्यस्तताएं भी हमारी बहुत ज्यादा अपनी भी रहती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप ही लोगों के कुछ पैसे विद्यार्थी हैं जिनके निवेदन पर मैं चाहता हूं कि ठीक है, अगर लोगों का कल्याण हो रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अच्छा हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें, जैसे रेमेडीज की बात हो रही है यहाँ पर, प्रिकॉशंस परहेज की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन रेमेडीज में क्या क्या चीजें आ रही है, वो आपको क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो भैया, यहाँ पर सीधा सीधा चार पॉइंट्स हैं, यानी आपको चार चीजें करनी पड़ती हैं रेमेडीज में, मिनिमम फोर थिंग्स ये आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं, वो आपको करना ही करना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद में तब आपको इसमें चीजें मिल पाती हैं। क्या है, सबसे पहले तो सिलेबस। ठीक है, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने चल रहे, पूरा सिलेबस एक बार रख लो प्रभु। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं जो यूनिट्स आपको बेहतर आती है, ठीक, उस बेहतर यूनिट के अंदर में हो सकता है आप 80% करें, लेकिन जो यूनिट बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब लगता है सर इसको यूनिट छू लेंगे तो हमें लग रहेगा, जैसे सपोज करिए कि फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर के अंदर में मान लीजिए वहां पर DI है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, या डेटा इंटरप्रिटेशन है। अब डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर में ठीक है नहीं आता है आपको बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ कभी कभी तो ऐसा रहता है कि जो डायग्राम देख करके पता चल जाता है कि कंपनी ए में बी के अपेक्षा ज्यादा, सिर्फ कंपनी ए की चीजें जोड़ दिया, बी वाले की जोड़ दिया, पता चल गया हाँ ए वाला ज्यादा कर रहा है, बी वाला कम कर रहा है, मतलब इतना सिंपल था, अब फिर उसको देख करके नहीं बता पाए, वो तो देख करके एकदम सामने डेटा लिखा हुआ, हम ये नहीं करें उसमें 80% कर रहे हैं, लेकिन उसमें कम से कम 25% तो करेंगे, जीरो तो नहीं हो जाएंगे छात्रों, कि क्या करें भैया एकदम सरेंडर, कुछ ना क्वेश्चन पढ़ना ना कुछ, सीधा टिक उठा करके पांचों क्वेश्चन पे मार देना है, जो भी होगा देखा जाएगा। अरे वो टिक तो कर ही रहे, लेकिन जो अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपको क्लियर आ गया, बाकी पे टिक कर दिए तो दो क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। ठीक है, आपने बिना टिक किए बिना देखे ही कर दिए, एक सही हो गया, लेकिन देख करके किए तो प्रोबेबिलिटी आपकी दो क्वेश्चन की बनी कि नहीं बनी। ठीक है, तो आपको एक एक क्वेश्चन निकालना है छात्रों, क्योंकि जब JRF का होता है ना तो पॉइंट में खेल होता है, याद रखिए पॉइंट में खेल होता है, और JRF ही नहीं नेट में भी पॉइंट का खेल होता है छात्रों। तो ये बात क्लियर हो गई, तो पहला आपको पूरा संपूर्ण सिलेबस एक बार पूरी जितनी यूनिट है, ठीक है, आप कम से कम आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट क्वालिफाई हो जाएंगे, चलिए ठीक है क्वालिफाई हो गए, लेकिन कम से कम ऐसा तो ना हो, ठीक है कुछ यूनिट नहीं आती, लेकिन कभी ऐसा ना हो सर हम सुने ही नहीं है वो यूनिट में क्या आता है, कहीं हेत्वाभास कहीं वो हम सुने ही नहीं क्या चीज होता है, भाई सिलोजिज्म क्या होता है कहीं सर वो सब हम सुने नहीं, सब ऊपर से। ठीक है आप क्वालिफाई हो गए, कभी कोई बात हो गई मान लीजिए उसको छोड़, लेकिन कम से कम एक बार पढ़े रहेंगे आप खुद ही, नेट करने के बाद क्या करेंगे, आप खुद सोचिए कि नेट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप क्लर्क बन जाएंगे, अब नेट किए हैं तो इसका मतलब हो गया कि आप प्रोफेसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं एजुकेशन लाइन में जाना चाहते हैं, टीचिंग करेंगे, तो जब आपने उसका नाम तक नहीं सुना, ठीक है ना पढ़ाई एक अलग बात है, लेकिन कम से कम नाम तो सुने रहिए, नाम सुने रहेंगे तब तो उसमें पढ़ने और पढ़ाने का इंटरेस्ट जगेगा, फिर से पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, लेकिन जब सुना ही नहीं हुआ, तो इसीलिए छात्रों पहला मेरा अपना मानना है कि होल सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, एक बार पूरी चीजें बैठ करके पूरे सिलेबस के जितने यूनिट हैं, चाहे हम पढ़ें चाहे कोई हमको, सब पूरा एक तरफ से पढ़ा दे। ठीक है, इतना पहला काम है। तो अपने साथ में अपने संस्थान में एक विशेषता है कि दोनों पेपरों का, चाहे फर्स्ट पेपर हो और चाहे सेकंड पेपर, दोनों पेपरों की दोनों 10-10 यूनिटें पूरा कंप्लीट करा दी जाती है। ठीक है, तेजी से कंप्लीट कराई जाती है। मैंने फिर कहा लिफ्ट लगी है, पूरी चीजें तैयार करके बस सीधा आपको जाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और आपको यहाँ पर रेगुलर भी रहना है, क्योंकि ऐसा हुआ लिफ्ट में बैठे सर बड़ा आनंद आ गया, आप चलिए सर चलते हैं, थोड़ी देर बाद आंख खोलते हैं पता लगा पांचवें लिफ्ट पे पहुंचे हैं आप, कह रहे सर इधर वाले में जो तक वो सब देखे नहीं, वह आगे देखते हैं अभी तो और ऊंचाई चढ़ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है सर, एकदम जा रहे हैं एकदम बादशाह पहुंचने वाले हैं सर, सातवें यूनिट चले, वाह सर तो आपने तो कमाल कर दिया। बस हम ही कमाल करते रहे, जो अपना विद्यार्थी वो नहीं ध्यान दे रहा है कि सर यूनिट पे यूनिट निकलते हैं, लेक्चर पे लेक्चर निकल रहे हैं हमको, तो ये काम आपको करना है। अब इसीलिए ये चीज जब कभी कभी होता है कि बच्चा ऐसा नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक सोचा है, वह ट्रिक ये है कि अब जब आपको लेक्चर भेजा जाएगा, यानी मंडे टू सैटरडे जब लेक्चर चले जाएंगे छात्रों, तो एवरी संडे, याद रखिए एवरी संडे को हम लोग लाइव सेशन करेंगे। ठीक है, लाइव सेशन एवरी संडे को करना, एक घंटे के लिए आमने सामने मुलाकात, जो भी 5 से 6 लेक्चर हमने वीक के अंदर में पढ़ा उनको हम पूछेंगे आपसे, आप उसका आंसर दीजिए। ठीक है, चाहे अपना नोट्स खोल करके दीजिए जो भी लिखे हैं, चाहे जैसे
या आपने तैयार कर लिया ओवरऑल जैसे भी है, वो सब नहीं है। आप उसको एक बार आंसर करिए कि इस पूरे वीक के अंदर में जो भी चीजें हुई हैं वो डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। और सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके ये काम करेंगे तो इससे क्या होगा, चीजें माइंड में रट जाएंगी। तो पहला चीज क्लियर हो गया, सिलेबस, और सिलेबस को पढ़ना कैसे, पढ़ करके उसको दिमाग में बैठाना करना। अब संडे टू संडे मेरे साथ में तैयार रहेंगे, बाकी के दिन लेक्चर और उस दिन लाइव सेशन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है उस दिन आप हमारे साथ में संडे टू संडे। मंडे को उसके बाद में करेंगे उसका टेस्ट कि जो भी पढ़ा है और जो याद कराया गया, आइए उसको हम टेस्ट में पूछते हैं और सब लोग अपना टेस्ट दे करके। भाई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो टेस्ट ही नहीं देना चाहे, हाँ वो कहते हैं उनकी कामना रहती है सर हमको ऐड कर दीजिए उसके बाद हमको, लेकिन जब तक आप एक चीज मान के चलिए, जब तक आप किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, तब तक लगाव नहीं बढ़ेगा, खत्म। एकदम सीधी बात मैं बता रहा हूं, जब आपके अंदर में इन्वेस्टमेंट होगा, जब आपको लगेगा कि ये मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया है ना, तभी आप उसकी पूजा, ये गाड़ी मैंने बहुत मेहनत से खरीदी है ना, तब आप इसकी वैल्यू समझेंगे, अदरवाइज दस टू कमी उसे निकाल गया हड़ाओ इस गाड़ी में चलाएंगे नहीं, ठीक है। या यूज कर लिया उसके बाद फेंक दिया रद्दी के भाव का है, ये सब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो छात्रों हैं, लगाव तभी बढ़ेगा जब आप अपना एक्सपेंडिचर उसमें करेंगे। तो एक तो ये हो गया सिलेबस, दूसरा जब भी सिलेबस कभी बन जाता है तो एक छोटा सा प्रॉपर नोट्स जो होता है छात्रों, ये बहुत काम की चीज होती है। इसको मैं बार बार कहता हूं कि कभी कोई चीज कहीं पर भी पढ़िए, सुनिए उसको, किसी चीज को, कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चीजें भूल जाती हैं क्योंकि एक डेटा नहीं है। अभी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मैंने देखा कि जब भी विद्यार्थी कोई पढ़ना शुरू किया तो एक लेक्चर, दो लेक्चर, तीन लेक्चर में मार बहुत बहुत ज्यादा, हाँ सर लेक्चर आएगा कि नहीं, अब नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा बहुत सारी बातें करता है। लेकिन जैसे 10-20 लेक्चर, सर हम कहां से पढ़े, हमारा इतना पीछे हो गया। अरे भैया चुपचाप एक लेक्चर से शुरू करना था ना, एक लेक्चर, लेक्चर वन अपना टारगेट किया, आज हम एक लेक्चर कर लिए, फिर दो कर लिए, एक कैलेंडर बना लीजिए उस पे और उस पे लिख दीजिए कि 1, 2, 3 फिर ऐसे 150 लेक्चर ऐसे बना लीजिए कि नियर अबाउट 150 लेक्चर हमको पढ़ने, और जितना ही बेहतर तरीके से कि इसमें कि हमको एक दो लेक्चर, दो तीन लेक्चर, एक दो लेक्चर, एक दो तीन लेक्चर, मानिए हमारा एक दिन छूट गया, दो दिन छूट गया, ठीक है अब दो दो लेक्चर, तीन तीन लेक्चर, ये अपना टारगेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जब लेक्चर पढ़ रहे हो तो आपकी कलम जरूर ओपन होनी चाहिए, कॉपी पेन होना चाहिए, वहां पे छोटे नोट्स। कई विद्यार्थी कह सर जैसा लेक्चर लिखा वैसे हम लिख डाले, अरे भाई वैसे कैसे लिख डालेंगे, आप उसको शॉर्टकट में नोट करके लिखिए ना, ठीक है। और ऐसे अभ्यर्थी जो अभी लास्ट टाइम पूरा लेक्चर लिख डाले, अब वो क्या करें, अब लेक्चर लिख लिए तो ठीक है उसके नीचे अंडरलाइन करते हुए चले। मैंने एक बार बताया कि एक पुस्तक, कई पुस्तकें नहीं पढ़ना है, एक ही पुस्तक को 10-10 बार पढ़ना है, याद रखिए ये होता है। कई नोट्स नहीं बनाना है कि दुनिया भर के नोट्स, एक ही नोट को 10 बार पढ़ना है, ये आप याद रखिए जीवन में सफल होने का। अब जब सिलेबस बन गया, नोट्स बन गया, ठीक है सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कर लिया, नोट्स बन गया, अब होता है छात्रों रिवीजन। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट होता है क्योंकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को देखा कि ये काम वो कर ही नहीं पाते। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी सर मैं रिवीजन ही नहीं कर, जब आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है चीजें आपसे छूट जाएंगी। तो रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समय अंतराल पर आप जो भी स्टडी किए, चाहे किसी की बुक हो, चाहे आपका किसी के डेफिनेशंस हो, अब बच्चा तुरंत आके सर वो हमको याद ही नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर मैंने लोगों को देखा है सर डेफिनेशन नहीं लर्न हो पा रही है, बुक नहीं लर्न, अरे भैया आपने कितनी बार देखा, 2-4 दिन के बाद उस बुक को देखे तो जो नहीं लर्न हो पा रही, कहने सर देखा नहीं था बस एक बार पूरा याद किया था, 10 दिन बाद जब फिर शुरू किया फिर भूल भुलैया हो गया, अब सर क्या याद करूं। तो भैया अगर इतना आसानी से चीजें मिल जाती, इतना आसानी से एक बार अगर आप बढ़ जाते, एक बार अपने जीवन में ठप्पा लगने के लिए, एक बार अपने जीवन में टैगलाइन प्राप्त करने के लिए कि यू आर क्वालिफाई एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इस काम को करने के लिए तो भैया 10 बार रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत माइक्रो माइंडेड है 3 बार करो, और नहीं है तो 5 बार तो कम से कम करो ही करो, उसको रिवाइज करो। और जब आप रिवीजन कर लें तो उसके बाद में आता है छात्रों मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर पूरे क्वेश्चन 100+50 ये जो बार बार करने, कई बार ये होता है 10 क्वेश्चन का आया टिक 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 कर दिया, फिर 20 क्वेश्चन का आया फिर टिक 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 कर दिया, छात्रों होता क्या 10 सी 20 सी तो आ रही है, क्या एक साथ इतना लोड लेने की कैपेसिटी है आपके अंदर में कि नहीं, यानी एक ही साथ पूरे क्वेश्चन एक बार में आ जाए, होता नहीं है भाई, अब एक 10 रोटियां हैं, अब सुबह से लेकर शाम तक कहा जाए तो आप खा ही ले जाएंगे,
लेकिन एक बार के अंदर में 10 रोटी कैपेसिटी है पचा लेने की, कहने सर वो नहीं है इतना। तो भैया अब यहाँ पर भी है, एक साथ पूरे मैथ रीजनिंग सब कुछ एक साथ, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर पूरी यूनिट है, 200 यूनिट क्या एक साथ माइंड में रखने की कैपेसिटी है, सर हैंग करने लगता है। तो ये कैसे होगा, प्रैक्टिस करके होगा, प्रैक्टिस करके होगा, इसीलिए आपकी सारी की तैयारी की धरी रह जाती। मैंने देखा लास्ट में जो तैयारी करें वहां से क्वेश्चन अच्छे, बाकी के सब पास आउट। तो हम क्या करते हैं कुमुलेटिव, यानी अपने टेस्ट के अंदर में शुरुआती दौर में टेस्ट कैसे होंगे, जो यूनिट पढ़ाई जाएंगी जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जाएगी वैसे पुरानी यूनिट को भी इंक्लूड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको मॉक टेस्ट करना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नोट्स, सिलेबस हो गया, नोट्स हो गया, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ये चारों चीजें आपको बिल्कुल ही करनी है छात्रों, एकदम करते जाना। और अगर आप इनका सीक्वेंस वाइज जैसे अगर ये जो बताया जा रहा है इसे सिस्टम से फॉलो करते हुए चलते हैं तो लिख के रख लीजिए, आप स्वतः से कहेंगे सर मैं हो जाऊंगा, थोड़ा सा सर हमारा कमजोर पड़ रहे हैं लेकिन हो जरूर जाऊंगा, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस जग गया है, बस हमको ये कराइए सर, हमारा प्रॉपर चला दीजिए एकदम बिल्कुल, क्योंकि हम बहकते बहुत इधर उधर भटक जाते हैं सर, हमारा दिमाग इतना तेज है कि जहां हम जाते हैं वहीं पर अपना मन लग जाता है, इसलिए हमको बांध दीजिए इसी में और हमको इसी लीक पे लेकर के चलिए, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आपको सफलता मिलेगी। और अब बात आ गई कि जब संसाधन का प्रयोग कर लिया तो भाई छात्रों परहेज, क्योंकि हम चाहे जितना कर दें लेकिन परहेज जो आपको कर रहा है, परहेज में क्या, रेगुलर डोज, पहला चीज है डोज मिस नहीं होनी चाहिए। ये मान लीजिए कि जैसे किसी ने देखा होगा या आपने सुना होगा कि किसी को टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी अगर हो गया, क्षय रोग हो गया अगर किसी को, तो टीबी अगर किसी को हो जाती है तो छात्रों उसका 6 मंथ का इलाज चलता है, और 6 मंथ के इलाज में अगर एक भी डोज अगर मिस कर दे, मतलब 10 दिन दवा ना खाए, 5 दिन दवा ना खाए, तो उसको क्या हो जाता है छात्रों, MDR, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस उसको बीमारी हो जाती है, यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट, चाहे जितनी दवा दे दिए सब रेसिस्ट, सब खा पी के डकार जाता है, उसके ऊपर कोई दवा का इलाज काम नहीं करता है। तो वही छात्रों की जब आप अगर ये जो डोज देना शुरू करते हैं, अगर आपने इसको इग्नोर किया तो फिर क्या होगा, MDR हो जाएगा, फिर आपके ऊपर जो दवा है, दुआ है, जो सिस्टम है, कुछ भी नहीं काम करेगा सर, चाहे इनको पढ़ाओ लिखाओ, चाहे उल्टा टांग दो सर, खोपड़ी पे मारो, कुछ भी सर, आपका लेक्चर, बात, मोटिवेशन, कहीं दुनिया में कुछ नहीं काम आ रहा सर, MDR हो गया उसको। MDR ना होने पाए तो क्या करना है, जब इलाज शुरू कराएंगे तो फिर मैंने बोला था कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है, समय बैठ के तसल्ली से सोच लो कि हमारे पास 2 ही घंटे अगर निकल पाते हैं 24 घंटे में, यह 2 घंटे मेरे जिंदगी के लिए मेहनत से निकल रहे हैं नहीं मेरे पास में, लेकिन मैं 2 घंटे कम सो करके, 2 घंटे त्याग करके, मैं रहता मुझे लगता है कि मैं 4 रोटियां खा सकता हूं लेकिन 3 रोटी खा करके 2 घंटे बैठ के पढ़ रहा हूं सर, मैं 4 खाऊंगा तो सो जाऊंगा, तो 3 खा करके और जग करके बैठ करके संकल्प लिया हूं 2 घंटे मैं अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए निकाल रहा हूं, परिवार समाज दुनियादारी से दूर 2 घंटे, क्योंकि जब आप बने रहेंगे तभी तो समाज के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए, मित्रों के लिए, सबके लिए समय निकाल पाएंगे, तो ये काम आपको करना है, ठीक है। तो एक परहेज, डोज मिस नहीं होने देना है, पहला परहेज। दूसरी चीज है ओवर डोज नहीं लेना है। जब कई बार मैंने देखा है कि विद्यार्थी आया पहले शुरुआती दौर में, कहा बहुत सही चल रहा है भाई, मोटिवेशन, अब इतनी बात सुना बस तुरंत लगा पढ़ने, अरे भैया स्थिरता का भाव बनाइए, पढ़िए, पढ़ने के बाद में अब लग गया कि हाँ मिशन बन गया, अब अगले दिन उसी स्टेप के हिसाब से, क्योंकि जहां ओवरडोज किया कहे सर आज रात में 3 बजे तक आर पार की लड़ाई, तो ठीक है अगले दिन 3 बज जग गए, 3 बजे तक जग लिए, अगले दिन पूरा दिन डिस्टर्ब हो गया, पूरा दिन सो रहे हैं, इधर सो रहे हैं, जग रहे हैं, उसी में क्या मतलब रह गया, 3 बजे तक जगने का, पढ़ने का, 2 बजे तक जगने का, पढ़ने का, ये काम नहीं करना है, ठीक है। यानी ओवरडोज से बचना है, ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीजें जो हैं उनको मैं बता रहा हूँ, लोग जानते नहीं है, जिद करते हैं, सिस्टम नहीं बनाते हैं, इसलिए टूट जाता है सिस्टम, सोएंगे नहीं प्रॉपर, डोज प्रॉपर नहीं लेंगे, हर चीज का आप रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली चीजें आपसे बाहर जाने लगेंगी। तो ये हो गया, तो रेगुलर डोज लेना है, प्रॉपर डोज, ओवर डोज नहीं लेना है, 2 चीजें ये काम करना है।
तीसरी चीज है कि कुछ जो वायरस है यानी कि जो इन्फेक्शन है ठीक है उनसे दूर रहना, यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो इन्फेक्शन है उनसे दूर रहना। यानी कि जब कोई देखते होंगे कि पेशेंट रहता है आईसीयू के अंदर में या कहीं पर भर्ती रहता है तो देखिए वो आउटर पेशेंट से कम मिलता है। क्यों भाई कम मिला जाए, आओ बाहर से देख लो तैयारी कर रहे हैं लेकिन इनसे मिलो ना भाई, क्योंकि मिलोगे तो अपना इन्फेक्शन इनको दे दोगे और दे दोगे तो फिर ये उसी में खो जाएंगे। तो अपना इलाज जो चल रहा है इनको डबल इलाज करना पड़ेगा। तो बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा है, छात्रों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ठीक है। तो इन्फेक्शन से बचना है आपको। बाहर लोग अपनी चीजों को लेकर के चले आते हैं, ये बताने के लिए चले आते हैं कैसे, आप लेक्चर पढ़ रहे हैं बोले अब आपको पता है कि हमारा एक लेक्चर दो लेक्चर तीन लेक्चर हमको खत्म करना है, एक लेक्चर खत्म हुआ उसके नीचे देखे कोई दूसरा भी आ रहा था चूरन चटनी उसको भी लाओ देख ले, इसी में टू इंटरटेनमेंट है कह रहा उसको भी देख ले, कहीं ये आ रहा है इसको भी निपटा दें, क्या जा रहा है अपना दिमाग तेज है हमारा हम सब कर ले रहे हैं। ठीक है दिमाग तेज है तो सब खिचड़ी बना दीजिए, सारा जो आपका जो रैम है वो रैम की एक कैपेसिटी है पूरा रैम खचखचा के भर दिया, घर का रैम दोस्त का रैम फैमिली का रैम ये हो गया पढ़ाई वाला सारा रैम पे एकदम सब एक साथ चल रहा है तो हैंग करेगा ये आपका सिस्टम। तो कम से कम चीजों को जब तक आप जब किसी बड़े गेम को खेलने पूरे जिंदगी का गेम है सारो आर पार की लड़ाई अगर एक बार जीत गए पूरी जिंदगी टैग लाइन जुड़ जाएगी आपके नाम से ठीक है। तो जिंदगी का गेम खेल रहे हैं अगर आप तो ये बहुत बड़ा गेम है, सारी चीजों को बंद करके केवल उसी गेम को खेल लीजिए कायदे से ठीक है, उसी गेम को कायदे से एक बार खेल लीजिए तो सब खोल के खिचड़ी करके वो हैंग कर जाएगा किसी लायक नहीं बचेंगे। इसको याद रखिएगा ये रेमेडीज बहुत बड़ी चीज है। तो परहेज भी आप करना सीखिए, कोई छोटा मोटा गेम नहीं अगर हुआ तो ठीक नहीं ये वो नहीं वही वाली बात है कि लेकर के आए और अपनी मोबाइल खराब कर बैठेंगे अपना दिमाग खराब कर बैठेंगे ठीक है। तो जितना कैपेसिटी है जितना वो है उसको लेकर के चलिए। फर्स्ट टाइम जिंदगी का गेम करना शुरू किए हैं एकदम अच्छे अच्छे को देखा मैं हिल गए हैं लोग, तो कम से कम इतना इन चीजों को समझिए ठीक है। तो परहेज में बता दिया, वायरस का मतलब हो गया ऐसे दोस्त ऐसे लोग ऐसी बातें ऐसा सिस्टम ऐसे लुभावनी चीजें जैसे फेसबुक मल्टीमीडिया। हम ये नहीं कह रहे बंद बंद करो, कुछ बंद बंद हो नहीं पाएगा, जितना बंद करने के लिए कहा जाएगा उतना ज्यादा आप करने लगेंगे। तो बेहतर यह है अपने आप से अंकुश लगाइए छात्रों, क्यों क्योंकि आप क्या चाह रहे हैं जिंदगी में कि लोग आपकी बात माने आपको सुने आपको बहुत सम्मान दें। तो उसके लिए एक ही चीज है कि आप शासन करना चाहते हैं, और अगर आप दूसरे पर शासन करना चाहते हैं छात्रों तो आपको खुद अनुशासन में रहना होगा, स्वयं से अनुशासित होइए ठीक है। याद रखिए ये नहीं है तो आप इसकी कल्पना छोड़ दीजिए एकदम से, इसके बारे में ना सोचिए, फिर सोचिए जैसे जो लोग कहेंगे हंटर मार के जिंदा रखेंगे तो उन्हीं साथ रहेंगे, यस यस सर वस सर नो बॉस ये बॉस सब करते रहेंगे। शासन करने की अगर क्वालिटी अगर आ रही है तो स्वयं से अनुशासन करना सीख लीजिए, सिस्टम को सीख लीजिए, परहेज कर लीजिए, और उसके बाद में आपके पास में एक बार अगर ये सिस्टम बन गया तो आपकी जिंदगी का ताला खुल जाएगा। इसकी हम शुरुआत कर चुके हैं औपचारिक रूप से, आप लगिए हमारे साथ में ठीक है। हम आपको सिलेबस पहले भेजेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू वन करके आपको लेक्चर जैसा सिस्टम हम बताते जाए वैसा करते जाइए। संडे को ऑनलाइन मिलिए हमसे, बातचीत करिए ठीक है ऑनलाइन सभी लोग, और कुछ कोई बातचीत की इसीलिए नहीं, सीधा सीधा हम जो जो पूछते जाए जब हफ्ते भर में जो पढ़ाए जो पूछे उसको बताइए ठीक है, उसको बताने की कोशिश करिए। और ये इसलिए कर लिया, ये नया प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने देखा कि चाहे जितना हम पढ़ा दें कुछ नहीं करते, टेस्ट तक देने की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो अब की बार फाइनल वही लोग इस मिशन के साथ में शुरू करेंगे जो ये मान के चलेंगे कि सर संडे टू संडे हमें आपके सवालों का जवाब देना ही देना है ठीक है, जितना पढ़ाया रटाया जाए वो सब रट के पढ़ के आएंगे ठीक है, और तब ये काम करेंगे। ओके छात्रों मिलते हैं इसके पहले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप इसको शुभारंभ करिए, बहुत सारे रिजल्ट भी अपडेटेड है और हमें आशा है कि बहुत सारे लोगों का रिजल्ट जैसे हर बार हर छह महीने में आपको रिजल्ट यहां से मिलता है, निश्चित रूप से आपको बहुत सारे स्टूडेंट नेट जेआरएफ अपना क्वालिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट।